सब उसके साथ था, उसका में गार्ड था। कलशिनकोप 30 गोली वाला नहीं, बाल के 60 गोली थे उसमें, दो मैगजीन बांधा था प्लास्टिक के साथ और कमरबंद भी लगा। बहादुर है फजलुर रहमान साहब के डर पो आप तो साथ साथ रहे जैसे खान साहब बहादुर है। क्या बात करूंगा, वो सिर्फ मालखोर है, मालखोर लस्सी पीता है, मालखोर है, मालखोर नहीं मारखोर, नहीं नहीं मारखोर नहीं है, मारखोर नहीं है, मालखोर लस्सी, हाँ माल कहता है ज्यादा, कभी जरदारी से कहता है, कभी मुशर्रफ से कहता था, कभी नवाज शरीफ से कहता है, कभी और से कहता है। नौकरी छोड़ दी आपने? वो जो इमरान खान का धरना था डीजी इस्लामाबाद में डी चौक में, तो उसी वक्त मैं टीवी पे देखता था, घर में बरामदे में बैठता था, इमरान खान में देखता था, बार बार मैं फॉलो करता था, देखता था रात को बैठता था सिर्फ नमाज के लिए बस जाता था, फिर वो पूरी टीवी को बैठता था, फिर सुबह पराठे हमको उधर बरामदे को लाता था नाश्ता, इतना मैं देखता था और आंसू बहता था आंखों से कि ये बंदा कैसा बातें करता है। और उसका बात जो है ना, वो बात अभी गुजरा है, लेकिन उसका बात है कसम खुदा के हमारा दिलों में तीर की तरह जाता था। जॉब कैसे छोड़ी फिर फजल रहमान को कैसे छोड़ा? फजल रहमान तो आपको खुद पता है कि वो क्या करता है, वो कश्मीर का मिट्टी का चरमे था 22 नंबर बंगला में। तो तुम बाजी तुम बताओ कश्मीर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, 18 साल में सिर्फ 40 लाख का लस्सी पिया और हलवे खाया, कुछ नहीं किया कश्मीर के लिए। अभी देखो चोरों का सरबरा बन गया, इसको मैं कैसा मौलाना कहूंगा, चोरों का सरबरा बन गया, मौलाना नहीं है, डीजल है, डीजल है। खान साहब हमारा दिल है और खान साहब पर हमारा जान कुर्बान है, जिस वक्त उस पर मुश्किल वक्त है, ये हमारा लोग जो है ना जितना इधर मुजाहिद पैरता है ये सब हाजिर है और सर जो है ना ये हाथेली में रखता है।